उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी पार्टी की छवि को दिखाने के लिए कई प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सपा भी आगे है, वो भी कई तरीके से जनता को लुभाने के लिए अपनी पार्टियों के कई दावे करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि सपा पर कई आरोप भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आरोप विधायक उनके विधायक हैं उन पर ही लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार पार्टियों की छवि भी खराब की जाती है, लेकिन यहाँ साफ तौर पर एक घटना सामने आई है जिसको देखते हुए सपा के पूर्व विधायक पर कई आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम में एक महिला के घर पर सपा के पूर्व विधायक इंदल रावत के बेटों, घर की महिलाओं और अन्य साथियों ने कब्जा करने की नीयत से हमला बोला। घर में घुसते ही सीसी कैमरे का कनेक्शन काट दिया गया, फिर महिला, उसके पति और 3 बच्चियों को धमकाया गया, दुराचार करने की धमकी दी और एक कमरे में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी की गई। विरोध करने पर घर को छोड़ने के लिए कहा और तोड़फोड़ कर दहशत फैला दी। शोर सुनकर पड़ोसी जुटने लगे तो हमलावर धमकाते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इंदर रावत ने सब कुछ कराया है, अब उसके घर पर कब्जा करना चाहता है। जानकीपुरम पुलिस ने बताया कि पूर्व विधायक इंदल रावत उनके बेटे समेत 20 लोगों के खिलाफ दबंग गई, तोड़फोड़ और छेड़छाड़ की FIR दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, मणिया गांव में रहने वाले पीड़िता ने FIR में लिखा है कि उनके पास कुछ हेक्टर पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर पूर्व विधायक इंदल रावत कब्जा करने की फिराक में है और वे उनके साथ ही कई बार धमका चुके हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे बेखौफ होकर ही 8 अगस्त को दोपहर 11 बजे और अपने पति व बच्चियों के साथ घर पर थी। तभी CCTV में दिखा कि इंदल रावत का भाई मिश्री लाल और कई अन्य लोग घर के आसपास जुटे रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही इन लोगों ने सीसी कैमरा बंद कर दिया और बिजली के तार काट दिए। इस दौरान ही कई और लोग आए जिनके हाथों में बेलचा, फावड़ा, हथौड़ा समेत कई अन्य हथियार थे। ये सब घर में घुस आए और हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हमलावर, जिसने महिलाएं भी थी, उन सब ने कहा कि घर छोड़कर चले जाओ वरना बच्चियों के साथ दुराचार किया जाएगा। इसके बाद ही 3 बच्चियों को 4 लोग एक कमरे में ले गए और उनके साथ अश्लील हरकत की, काफी देर तक छेड़छाड़ करते रहे, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। बच्चियों का शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए थे। पीड़िता ने बताया कि उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी फैजान, राजकुमार, कई अन्य लोग वहां पर आ गए थे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनकी बड़ी बेटी ने हमलावरों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। इस रिकॉर्डिंग को उन्होंने बेटी से ले लिया था, इसे पुलिस को भी उपलब्ध कराया गया। जानकीपुरम के इंस्पेक्टर ने बताया कि हमलावर ने दबंगई की थी, इसमें 20 अगस्त को FIR लिख ली गई थी। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।